एक नागौर मोर मकान भी बिकेगा ज्योति जी वाला, अब उनका क्या तो बिका हुआ है? हाँ वो तो बिका हुआ है, अब उनका क्या काम है यहाँ? लोग तो कह रहे वो रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड है तो कोई रॉन्ग साइड वाला ही ले, और हनुमान जी भी ले कौन, संभव ही कौन बात चीज, क्योंकि जनता की सेवा करने वास्ते हाईवे पे या कहीं ऑन रोड हो ना मकान वही अच्छा है, इसीलिए वो गलियों में है ना, तो ही रॉन्ग साइड लोग बोल रहे हैं उनको। तो कहीं भाव चला नागौर में? नागौर में भाव तो देखो कोई माड़ा चैनल ने देख कही दे भाई मैं ले लूं, अब देखो बांक कहीं रेट लियोड़ है बांकाइंडा, अभी तक पत्तों को किरे भी हो सके ना, हाँ वो तो देखो ऐसा भी लिख दे टू लेट किरे भी मिलता है, उसको तो लेने वाले मिल जाएंगे कोई भी। हनुमान बेनीवाल के प्रति लोगों में कितना प्रेम है ये आज देखने को मिला है, क्यों स्वरूप चुनाव में फिर एक बार नानी याद दिला देंगे बीजेपी को, और मायरा भरेंगे बहुत जबरदस्त मायरा भरेंगे, हनुमान जी तो हाँ तैयार है उपचुनाव तैयार है, और बीजेपी वाले वो बोलते ना वो लुंगी बजाओ पुंगी वैसी वो फिर बजा देंगे, तैयार बैठे। बेनीवाल जी को जीत की बहुत बहुत बधाई हो, और विकास के नाम पे वोट दिया है जनता ने, हमें उम्मीद है कि नागौर पे खरा उतरेंगे और विकास को नए आयाम देंगे नई गति देंगे, और बेनीवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत की अधिक बधाई, और हमारे नागौर के लिए बहुत भारी आदमी है, और हमने मायरा भर दिया है अब बार बार नहीं भरेंगे, मायरा भर दिया है बार बार नहीं भरेंगे। हनुमान जी बनीवाल ने मोदी जी को जो चैलेंज दिया वो आज पूरा कर दिया है, राजस्थान में जो 25 सीटों का बोल रहे थे आज वो मोदी जी का चैलेंज हनुमान बनीवाल ने तोड़ दिया है, और नागौर में ये देख लो जीत निकाल के बता दी है। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल थांगड़े साहब मोदी जी को जिदो रहे हाँ हो रही है, इंडिया की इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बन रही है, जो तानाशाही थी ना आज वो तानाशाही धराशाही हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।